Hello, good morning to all of you. Video is for class 3rd. Subject value education. So, students, today we are going to read the story 14, lesson 14, believe in yourself. And also, this is the last lesson in your textbook. So, let's read the story. वॉट इज द स्टोरी बिलीव इन योर सेल्फ इसका मॉरल हम लास्ट में देखेंगे कि इस स्टोरी का मॉरल क्या है बिलीव इन योर सेल्फ अपने आप पर विश्वास रखें देर आर सो मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु नेवर बोतर टू थिंक दे सिंपली गो बाय वॉट अदर पीपल टेल देम दुनिया में ऐसे कितने कई पीपल हैं कई लोग हैं जो वो नेवर बोथर टू थिंक वो सोचते नहीं हैं बट सिंपली गो बाय कि जो अदर पीपल उनको बोलते हैं वो वो मान लेते हैं एंड देन खुद की जो सोच है उसका यूज़ ही नहीं करते मित्रा शर्मा वॉज अ सच अ मैन so, सो यहाँ पर जो अदर पेज नंबर नेक्स्ट पेज पर जो पिक्चर दिया हुआ है सो so, ये जो पंडित दिख रहे हैं उसका नेम है मित्र शर्मा सो so, मित्र शर्मा भी एक ऐसे ही पर्सन थे जो बिना सोचे जो अदर पीपल उनको बोलते हैं वो वो मान लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ वन इवनिंग मित्र शर्मा वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ नेबरिंग विलेज आफ्टर परफॉर्मिंग अ सेरेमनी तो नेबरिंग विलेज था उसके पड़ोस में कोई गांव था वहाँ पे वो जो मित्र शर्मा थे वो कोई सेरेमनी थी तो वहाँ से वो अटेंड करके वो रिटर्न आ रहे थे तो क्या हो चुका था वन इवनिंग यानी कि शाम का टाइम था ही वॉज़ अ वेरी प्लेसड बिकॉज वन ऑफ द विलेजर्स हैड प्रेजेंटेड हिम विथ प्लम्प गॉड तो बहुत खुश थे क्यों वन ऑफ द विलेजर यानी कि वहाँ का जो एक विलेजर था उसने उसको एक प्लम्प गॉट मोटी सी छोटी सी और मोटी सी जो गॉट होती है वो प्रेजेंट की गिफ्ट की द गोट वॉज वेरी यंग एंड फ्रिस्क अबाउट सो मच दैट मित्र शर्मा डिसाइडेड टू कैरी इट ऑन एस शोल्डर तो वो इतनी फ्रिस्ट थी यानी कि इतनी प्लेफुल थी शरारती बोलते हैं ना जो तो वो इतनी छोटी सी थी और शरारती प्लेफुल थी कि मित्र शर्मा को उसको अपने शोल्डर पर कैरी करना पड़ा थ्री क्रुक्स सो मित्र शर्मा क्रूक्स मीन्स यहाँ पे जो चीटर्स होते हैं जो बदमाश होते हैं चीटर की चीटिंग करके कुछ उससे हड़प लेते हैं तो थ्री क्रुक्स सो मित्र शर्मा तो जो तीन वहां पे चीटर थे कोई उन्होंने मित्र शर्मा को देखा दे आइड द गॉट ग्रीडीली थिंकिंग अबाउट द मनी इट वुड कि वो गॉड को एक ऐसे नजरिए से देख रहे थे कि जैसे जो ये गॉट है वो उसके लिए मनी लेके आएगी यानी कि उसको उससे वो पैसा बना पाएंगे जिसट लुक एट दैट गॉट सेट द फर्स्ट क्रुक जो फर्स्ट वाला क्रुक था उस उसने कहा जिस लुक ऐट दैट गॉट कि उस गॉड को देखो लेट प्ले अ ट्रिक ऑन दिस मैन एंड गेट हॉल्ड ऑफ द गॉड सेट द सेकेंड क्रुप तो सेकेंड क्रुप ने कहा कि चलो कुछ ऐसी ट्रिक करते हैं और वो जो मैन है उससे हम जो गॉड है वो ले लेंगे आई हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ द ट्रिक सेट द थर्ड क्रुक लिसन टू मी केयरफुली बर्थ ऑफ यू तो जो थर्ड क्रुक था उसने कहा कि मैंने तो ऑलरेडी ट्रिक है वो सोच ली है सिर्फ आप सुनो मित्र शर्मा वॉज वॉकिंग एलोंग हैप्पीली वैन द फर्स्ट क्रुक वॉकडअप टू हिम एंड सैड वाई आर यू कैरियंग अ डॉग ऑन योर शोल्डर्स तो जो मित्र शर्मा जब चल रहे थे हैप्पीली हैप्पी वो जा रहे थे तो जो फर्स्ट वाला क्रुक था वो भी चल के उनके सामने आ गया और कहा कि आप ये अपने शोल्डर पर डॉग को क्यों लेके जा रहे हैं एंड द डॉग इज़ नॉट इवन क्लीन और जो डॉग है वो अच्छी तरह से क्लीन भी नहीं है वॉट हैज़ कम ओवर यू क्या हुआ है आपको मतलब कि उसको फूल बनाना चाहते थे कि अगर वो ऐसा बोला है और हमारी बातों में आ जाता है तो वो गॉड को हमारे यहाँ छोड़ देगा अ डॉग यू फुल लाफ्ट मित्र शर्मा पैटिंग द डॉग सॉरी पैटिंग द गॉड तो वो जो मित्र शर्मा थे वो हंसे कि अ डॉग यू फुल क्या आप इसको डॉग बोल रहे हो पैटिंग गॉड फिर उन्होंने गॉड पे उसको पैट किया यू मस्ट बी आइदर क्रेजी और ब्लाइंड या तो आप क्रेजी हो पागल हो या तो आप अंधे हो डोंट यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ डॉग एंड अ गॉड कि क्या डॉग और गॉड के बीच में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है कोर्स आई डू सेट द फर्स्ट क्रूक तो फर्स्ट क्रूक ने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ दैट इज वाई दैट्स वाई आई आस्क यू वॉट यू मीन बाय कैरियंग अ डॉग इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये डॉग को कैरी करने का क्या मतलब है क्यों आपको आप डॉग को कैरी करके जा रहे हो ले कर जा रहे हो शोल्डर पर ऑफकोर्स इफ़ यू वॉन्ट टू कॉल अ डॉग अ गॉट एंड कैरी इट अराउंड यू आर वेलकम अगर आप डॉग है उसको आप गॉट कहकर उसको आप कैरी कर रहे हो सो so करो आई एम जस्ट सरप्राइज मैं तो सरप्राइज हो गया था इसलिए आपको बोल रहा था ब्लाइंड फुल मटर्ड मित्र शर्मा एंड वॉकड तो मित्र शर्मा ने ऐसे बोला कि अंधे हैं ऐसा करके वो आगे चला गया ऑन द वे नाउ ऑन द सेकेंड पेज देन द सेकेंड क्रुक bumped into him हिम एंड स्टेयर्ड इन सरप्राइज एट द गॉड ही कैरिंग तो क्या हुआ फर्स्ट वाला तो क्रुक चला गया थोड़ी देर के बाद उसके सामने सेकंड क्रुक आया और सरप्राइजली उस जो मित्र शर्मा ने कैरी किया था गोट उसको वो सरप्राइजली देखने लगा देन वॉट आर यू स्टेरिंग एट क्राइड मिस्टर शर्मा अब तो वो पक चुके थे तो उन्होंने बोला कि आप क्या घुर रहे हो स्टेर यानी घुरना तुम क्या घूर रहे हो द डेड काफ ऑन योर शोल्डर्स सेट द सेकेंड क्रुक प्रॉम्प्टली कि वो बोले कि आपके जो शोल्डर पे मरा हुआ काफ पड़ा है उसको मैं देख रहा हूँ यानी कि जो गॉड थी उसको सेकंड क्रुक ने क्या किया बोला कि ये तो डेड काफ है काफ यानी जो गाय का यंग वंश होता है द डेड काफ calf on your shoulders said the second crook promptly i suppose you were very fond of it when it was alive ki main ye soch sakta hu ki jab wo zinda hoga to aap uska आपको वो कितना प्यारा होगा But must you carry its dead body around like this? लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि उसकी dead body आप लेकर ऐसे घूमते रहो वट रबिश क्राइड मिस दर्मा रियली एंग्री अब वो थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे पक चुके थे आर यू ब्लाइंड क्या आप अंधे हो कॉन्ट्यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ लाइव गॉट एंडड काफ क्या तुझे आ, ये जो लाइव ला, सॉरी हाँ लाइव गॉट है जीती हुई गॉट है जिंदा गॉट है और जो डैड काफ है उसके बीच में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता इट इज़ अ लिव गॉट यू फुल शाउटेन एन शर्मा कि ये एक जिंदा गॉट है और यू फुल ओ मूर्ख ऐसा करके वो चिल्लाने लगा मित्र शर्मा शाउट एज मस्ट एज यू लाइक बट यू कांट एक्सपेक्ट पीपल टू टेक अ काफ फॉर अ गॉड चाहे आप जितना भी चिल्ला लो लेकिन जो काफ है उसको हम कैसे गॉड की तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं दे विल कॉल यू मैड सब आपको मैड करके बुलाएंगे आपको पागल बोलेंगे मित्र शर्मा बिगेन टू फील अन ईजी नाउ वो अभी कुछ इजी फील नहीं कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी एक कोई आदमी बोल के गया कि ये गॉड नहीं है अभी नाउ सेकंड पर्सन सेज दिस दिस इज नॉट अ गॉड मित्र शर्मा बिगेन टू फील अन व्हाई वाई वर द टू मैन सेच स्ट्रेंज थिंग ऐसा कैसे हो सकता है कि दो आदमी ऐसे बोल सकते हैं कि ये गॉट नहीं है वॉज समथिंग रियली रॉन्ग विद द गॉट क्या कुछ ये जो गॉट है उसके साथ समथिंग रॉन्ग है ही मुझे तो गॉट दिखती है लेकिन दूसरों को ये गॉट क्यों कुछ अदर एनिमल दिखती है बिफोर ही कुड डिसाइड आई द वे दर्ड क्रूक फैसिंग हिम उसके आगे कुछ वो डिसाइड कर पाता उससे पहले जो थर्ड था कुक क्रूक था, कुछ था। वो भी उसके सामने आ गया ग्रेशियस मित्र शर्मा हे सैड वाई सेक थ्रो इट अवे बिफोर एनी वन सीज यू तो थर्ड ग्रुप ने बोला कि तुम ये डोंकी को क्यों कैरी कर रहे हो अपनी बैग पर क्या पागल हो गए हो प्लीज भगवान के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो वरना आपको कोई देख लेगा डोंकी मम्बल मित्र शर्मा कन्फ्यूज कन्फ्यूज होके उसने बोला कि क्या डोंकी यस सेट द क्रूक व्हाट्स रोंग विथ यू दिज इज अ डोंकी तो क्रूक ने बोला कि क्या चल रहा है ये तो डोंकी है थ्री पीपल कैन नॉट पॉसिबली बी रोंग तो मित्र शर्मा ने सोचा कि ये जो तीन पीपल बार बार जो कुछ बोल रहे हैं तो सब तो गलत नहीं होंगे मित्र शर्मा टॉल हिम सेल्फ फॉमली ही वॉज नाउ convinced that the creature on his shoulder was not a god at all but a goblin which kept changing its form तो अभी वो confused हो गया और सोचने लगा कि उन्होंने जो shoulder पे जो god carry किया है वो शायद god नहीं है but a goblin यानी कि जो बोलते हैं ना ghost तो वो इससे सोचने लगा कि ये तो कोई गॉस्ट है ये तो कोई भूत है जो बार बार अपना रूप है वो बदल रहा है ही थ्रू द गॉड डाउन एंड रेन फॉर हिज लाइफ और वो डर गया सो so नाउ उसने सीधा ही वो गॉड को वहाँ पे फेंक दिया और वो वहाँ से अपनी जान बचा के चला गया द थ्री क्रूक्स कॉट द डॉग एट वंस तो उन्होंने जो थ्री क्रूप्स थे उन्होंने वो गॉड को पकड़ लिया दे हैड मैनेज टू ट्रिक द मैन आफ्टर ऑल आफ्टर ऑल उन्होंने वो जो ट्रिक थी वो आजमा ली और सक्सेस भी हो गई हैड मित्र शर्मा बिलीवड इन हिम सेल्फ ही वुड नॉट हैव बीन फुल्ड था वी मस्ट लर्न टू थिंक फॉर आवर सेल्फ कि नाउ मित्र शर्मा को उसके अपनी हिम सेल्फ यानी कि उसके अपने आप पर भरोसा होना चाहिए था उसको दूसरों की बातों को छोड़कर ऐसे गॉड को छोड़ना नहीं चाहिए था वो थ्री क्रुक्स ने उसको फुल बनाया मूर्ख बनाया वी मस्ट लर्न टू थिंक फॉर आवर सेल्फ हमें हमारे लिए भी सोचना चाहिए और जो हमारा मन कहता है उसकी भी सुननी चाहिए नाउ इट्स क्वेश्चन आंसर

उनको एक मोटी सी छोटी सी प्लम्प गॉट गिफ्ट में मिली थी वाई वॉट द थ्री क्रूक्स आइंग द गॉट जो थ्री क्रूक्स थे वो गॉड को क्यों देखा उसको मतलब गॉड पर उसकी नज़र क्यों थी द थ्री क्रूक्स आइंग द गॉट बिकॉज द मनी इट वुड फैच कि जो ये गॉड है उसको बेचकर वो मनी बनाएंगे पैसा बनाएंगे वाई वर three थ्री क्रूक्स sorry सॉरी फोर्थ what did the थर्ड crook tell mitra शर्मा ही was कैरिंग ऑन his shoulder तो जो थर्ड क्रुक था उसने मित्र शर्मा को क्या बोला कि वो अपने शोल्डर पे क्या लेके जा रहा है द थर्ड क्रूक टॉल मिस्टर शर्मा मित्रा शर्मा दट ही वॉज कैरिंग अ डोंकी ऑन हिस्स शोल्डर की उसने अपने शोल्डर पे डोंकी को कैरी किया है वॉट डिड मित्र शर्मा फाइनली डू फाइनल में फाइनली उसने क्या किया आखिर में फाइनली मित्र शर्मा थ्रू द गॉड डाउन एंड रन फॉर हिज लाइफ कि वो गॉड को ऐसे ही नीचे छोड़ देता है और अपनी लाइफ बचाने के लिए भाग जाता है सिक्सथ क्वेश्चन इज वॉट शुड मित्र शर्मा हैव डन मित्र शर्मा को क्या करना चाहिए था मित्र शर्मा शुड बिलीव इन Himself, कि मित्र शर्मा को अपने आप पर ही भरोसा रखना चाहिए था नाउ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज में क्या है वॉट डू यू थिंक द स्टोरी टीचिस अस ये जो स्टोरी है वो हमें क्या सिखाती है चलो तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट विल यू डू इफ ट्राइज टू अ फूल ऑफ यू अगर कोई आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अदर पीपल की बातों को हमें नहीं सुनना चाहिए वी शुड नॉट हैव टू लिसन अदर पर्सन हमें हमारे मन की हमारे सेल्फ की सुननी चाहिए अगर कोई आपको ऐसे फुल बनाना चाहता है तो आप क्या करेंगे तो ऑब्वियसली हमें उसकी बात अगर गलत है तो नहीं सुननी है हमें अपने आप पर ही भरोसा रखना है टिक द करेक्ट बॉक्स यहाँ पे करेक्ट बॉक्स को टिक करना है और हम जो ब्लैंक नहीं रखेंगे हम दूसरे जो बॉक्स हैं उसको रॉन्ग कर देंगे वी मस्ट मेक फन ऑफ अदर्स हमें अदर पर्सन की या अदर हमारे फ्रेंड्स हैं जो भी हैं उनकी मजाक बनाना चाहिए सो इस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग इट इज़ गुड टू बी ग्रीडी ग्रीडी होना अच्छी बात है आलसी होना अच्छी बात है नो वी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो अदर्स हमें किसी को ऐसे ही बिना देखे किसी बात को फॉलो नहीं करना चाहिए सो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि हमें बिना देखे किसी की बात पर विश्वास नहीं करना है ऑन द पेज नंबर थर्टी एट वी वी मस्ट टीज एवरी वन हमें सबका मजाक उड़ाना चाहिए हंसी उड़ानी चाहिए नो इट इज बैट टू थिंक एंड वर्क पहले सोच लेना चाहिए बाद में कोई कार्य करना चाहिए यस स्टेटमेंट इज़ ट्रू मनी इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग जो पैसा है वो दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है नो दिस इज रॉन्ग वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ हमें हमारी अपने आप पर भरोसा होना चाहिए विश्वास होना चाहिए येस इट इज़ बेटर टू बी वाइज देन टू फुलिश कि मूर्ख बनने से ज्यादा अच्छा है कि हम समझदार बने यस क्रुक्स ऑलवेज विन जो बदमाश होते हैं जो चीटर होते हैं उनकी ही जीत होती है नो दिस इज रॉन्ग वी शुड ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर एवरीथिंग हमें जो कोई कार्य करना है तो उसके लिए हमें दूसरों पर ही डिपेंड रहना है नो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग नाउ Write out this poem neatly. Put it up on your class bulletin board or in your room. ये जो poem है उसको आपको एक blank sheet में लिखनी है read करनी है और ऐसे ही उसकी फ्लावर और बटरफ्लाई वाली बॉर्डर बना के आपको अपने रूम में पेस्ट करना है अगर आप वो नहीं करना चाहते सो यू हैव टू राइट इन योर नोट आप वैल्यू की नोटबुक में ये पोयम लिखोगे और उसके फ्लावर और बटरफ्लाई के साथ बॉर्डर बना के डेकोरेट करनी है ओके थैंक यू